वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इंजीनियरिंग टाइम में कवर करने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। हमने 2001 में पूछे गए प्रश्नों को उठाया है और 2001 से ही सीरीज को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2002 का, 2003 का, 2004 का, ऐसे लेकर के 2018 तक के पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। और आप सारे वीडियो को देख लेंगे तो आपका पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक आपने तैयारी नहीं की है और इन वीडियो को ही देख कर आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में पास तो हो ही जाएंगे, उसके साथ साथ अच्छे मार्क्स भी आपको मिलेंगे। तो अगर आपने कुछ नहीं किया है अभी तक तो आप कम से कम इन सारे वीडियो को देख करके ड्राइंग को बनाएं और एक बार अपने से खुद से ज़रूर बनाएं। आइए आगे देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा फर्स्ट है और ये बहुत सिंपल टाइप का है और ये पूछा गया था 2001 में, 2001 में पूछा गया था। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं और किसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 75 mm लंबी रेखा जो कि एच पी से कोण पर अवनत है। कितनी रेखा की लंबाई दे रखा है, कोई रेखा है जिसकी लंबाई है 75 mm। आगे बताता है तो जिसका सिरा ए, मतलब सिरा ए मतलब इसका नाम जो होगा हमारा वो ए और बी होगा। जो रेखा है हमारी, जो लाइन है उसका नाम है ए बी और उसकी लंबाई है 75 mm, जिसके बारे में आगे बताता है जिसका सिरा ए एच पी और बी पी दोनों में स्थित है। ये केस हम लोग प्रश्न पॉइंट पढ़ चुके हैं। जब ये बात आती है कि कोई बिंदु या फिर कोई सिरा जो है एच पी और बी पी में स्थित है, इसका मतलब है जो हमारा एक्स वाई लाइन बनेगा, एक्स वाई लाइन जो होगी उसी में एक पॉइंट बन जाएगा, एक्स वाई लाइन पर ही वो स्थित होगा। जब कभी ये कहा जाएगा एच पी और बी पी में है तो वो एक्स वाई लाइन पर ही स्थित होगा। इतना हम लोग पहले से जानते हैं। आगे देखते हैं क्या बोला है। रेखा की लंबाई का दृश्य ऊपर से देखने पर सृष्टि है, यानी कि जब रेखा को ऊपर से देखा जाएगा तो उसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो 60 mm लंबा है। ये बात यहाँ बताइए। आगे कहा जा रहा है रेखा के प्रक्षेपों को खींचिए तथा एच पी से बने झुकाव को ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए सर, बात क्या करना है, हमको एंगल फाइंड आउट करना है कि जो 75 mm की लंबाई है, जो रेखा है वो कितने एंगल पर झुका होगा जिसका प्रोजेक्शन बनेगा 60 mm का। देखिए इसमें हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको फर्स्ट एंगल में हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एक्स वाई रेखा खींचते हैं। एक्स वाई रेखा कितनी भी लंबाई की अपने आप सकते हैं खींच सकते हैं, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। हम ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स। अगर हम फर्स्ट एंगल बनाते हैं तो ऊपर जाएगा बी पी और नीचे हो जाएगा एच पी। क्वेश्चन में पहले ही बोल चुका है कि एच पी से कोण पर औनत है। एच पी से मान लीजिए थीटा कोण पर औनत है, एंगल नहीं पता है हमको, ठीक है, एंगल नहीं पता है, वही हमको फाइंड आउट करना है, वही हमको निकालना है। आगे उसने बताया है कि ए सिरा, अगर लाइन ए बी है तो उसका ए सिरे की बात कर रहा है कि ए सिरा एच बी और बी पी दोनों में स्थित है, मतलब कि ये एक्स वाई लाइन पे यहीं कहीं पर होगा, ठीक है। आगे ये बताता है कि रेखा की लंबाई का दृश्य ऊपर से देखने पर सृष्टि है, यानी जब ऊपर से देखेंगे मान लीजिए उसने बोला थीटा कोण पर है, अगर यहाँ से 75 खींचा जाए किसी भी एंगल पर तो ऊपर जब देखेंगे तो नीचे प्रोजेक्शन जो बनेगा एक्स वाई पे वो 60 का बनेगा। हमको प्रोजेक्शन मालूम है, हमें ये नहीं मालूम है कि इसको किसने एंगल पे खींचना है, तो हम लोग क्या करेंगे इस पे जो है हम लोग 60 डिग्री, जो सॉरी 60 mm का जो है लंबाई ले लेंगे जो कि प्रोजेक्शन आने वाला है, ठीक है। ये हमारा हो गया एंड ए, ये हो गया बी, ठीक है, ये प्रोजेक्शन की लाइन है। अब देखिए एक्चुअल लेंथ कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि देखिए इसको क्या करेंगे, वर्टिकली ऊपर बढ़ा लेंगे, वर्टिकली ऊपर बढ़ा लेंगे। अब यहाँ से यहाँ के बीच में जो लाइन खींची जाएगी उसकी लंबाई होगी 75 और उसी का प्रोजेक्शन यहाँ पे 60 आ रहा होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि यहाँ खींचा जाएगा या फिर यहाँ खींचा जाएगा या फिर यहाँ खींचा जाएगा, उसका एंगल नहीं पता है। हम लोग क्या करेंगे, कंपास में नाना प्रकार में हम लोग 75 mm की डिस्टेंस को ले लेंगे, 75 mm की डिस्टेंस को ले लेंगे और इस डिस्टेंस को ए पर रखते हुए हम जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको कट करेंगे। जहाँ पे ये कट कर देगा तो उसको हम आपस में मिला देंगे, ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये ए है तो ये बी डैश हो गया, ए डैश हो गया क्योंकि बीपी में है, ठीक है, और यहाँ पे ए और यहाँ पे जाएगा बी, हम लोग हमारा जो है ये प्रोजेक्शन आ जाएगा, ठीक। इसकी लंबाई हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इसकी लंबाई हमारी 60 mm है, तो इसको हम दिखा देंगे 60 mm है, ये बी को थोड़ा सा लिखना है,
इसके डायमेंशन को हम लोग शो करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 60 mm, और जो एंगल हम लोग का बन के आया हुआ है उसको हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। अब यही एंगल जो हम मेजर करेंगे यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं कितने एंगल पे ये आया हुआ है हमारा। ये एंगल आ रहा है 36 डिग्री, और ये हमारा TL है जो कि 75 मिलीमीटर है। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बस इतना ये क्वेश्चन को पढ़ के समझा जा सकता है क्या हमारा क्वेश्चन सही बना है, देखते हैं। इसने बता रखा था 175 mm लंबी रेखा जो एच पी से थीटा कोण पर ऑनत है, तो एच पी से एच पी नीचे है तो जस्ट अपोजिट बनता है, तो थीटा कोण पर ऑनत है जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं 36 है। और अगर था जिसका सिरा ए एच पी और वी पी दोनों में स्थित है, जिसका सिरा ए एच पी और वी पी दोनों में स्थित है मतलब एक्स वाई लाइन पर है, सही है। रेखा की लंबाई का जैसे ऊपर देखने पर 60 है, जब हम ऊपर से देखेंगे तो उसका प्रोजेक्शन नीचे एक्स वाई लाइन में बनेगा जो कि 60 है जो हमने पहले ले लिया है। रेखा के प्रक्षेप खींचे, प्रक्षेप खींचा जा चुका है तथा एच पी से झुकाव को ज्ञात कर, झुकाव हम लोगों ने ज्ञात कर दिया है कि थीटा इज इक्वल टू कितना है 36 डिग्री है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपका 36 नहीं आता है, 35 आता है या फिर 34 आता है या 37 आता है, 38 आता है, तभी भी इसको सही माना जाएगा। जो ही नहीं कि आपका एकदम एक्यूरेट आए, अगर थोड़ा सा वेरिएशन भी होता है तब पर भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2002 के क्वेश्चन के साथ, जो कि 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे एक बार अपने से क्वेश्चन को पढ़ करके बनाने की कोशिश जरूर करें, तभी आपको आएगा, फिर वीडियो देखने से आपको नहीं आएगा। और इस स्लाइड को, इस पेज को, आप क्वेश्चन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ क्वेश्चन को आप डाउनलोड कर लीजिए और उसे खुद से सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।